तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी सीरीज का वीडियो नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन सेलिज्म के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर आता है। इस टॉपिक को हमारे एनसीईआरटी में 236 to 237 पेज नंबर पे दिया हुआ है। अब इसके साथ आप लोग एनसीईआरटी साथ में रखें, क्योंकि लाइन वाइज लाइन मैं बताता जाऊंगा और आप मार्क करते जाएंगे, जिससे कि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अगर और भी टॉपिक इससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं। इस सीरीज़ में हम लोग इकोलॉजी सीरीज़ में पूरी जो 12th की इकोलॉजी है उसको कम्प्लीट करने वाले हैं। ये सीरीज़ का 5वां वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन सेलिज्म के बारे में। तो कॉमन सेलिज्म में क्या होता है? कॉमन सेलिज्म में जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है उसका तो फायदा होता है, और जो दूसरी स्पीसीज होती है उसका नुकसान होता है। इसका पहला एग्जांपल हमको दिया हुआ है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो कि एपीफाइट्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट के ऊपर रहें उन्हें कहते हैं हम लोग एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स में पहला एग्जांपल हमको देखने को मिल जाता है ऑर्चिड ऑन मैंगो ट्री। ऑर्चिड देखो मैंगो ट्री पे होता है। ऑर्चिड ये एक तरीके का पेड़ होता है जो कि मैंगो ट्री पे उग जाता है, जिसकी वजह से इसको सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये मैंगो ट्री पे ग्रो करने लगा और अब इसको आसानी से सनलाइट मिल जाती है ना। अब देखो ये करता क्या है, ऑर्चिड चढ़ता है। अब यहाँ के जो इसका जो ये वाला डेड वाला पोर्शन होता है पेड़ का, जो छाल होती है ना, यहाँ से ये जो डेड वाला पोर्शन है यहाँ से ये अपनी रूट्स यहाँ पे धसा देता है और वहाँ से मिनरल ये सोर्स एज अ मिनरल सोर्स यूज़ करता है। पेड़ की जो छाल है बाहरी लेयर जो कि डेड हो चुकी है, और इसकी हैंगिंग रूट्स होती हैं जो कि होती हैं मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। बस इतना ही दिया हुआ है। देखो कॉमन सेलिज्म इट इज़ द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट। एक का तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन अदर इज़ नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड। उसका हार्म भी नहीं हो रहा है और उसका बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको तो सनलाइट भी मिल रही है और इसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है पेड़ से, है ना। इसने रूट घुसा दी और इसके डेड पार्ट से उठा रहा है, डेड पार्ट को मिनरल की तरह यूज़ कर रहा है और उसको यूज़ करके अपनी एनर्जी बना रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि पेड़ के ऊपर चढ़ा है, पेड़ ही का तो न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन ले कहाँ से रहा है? मिनरल ले रहा है वो डेड पार्ट से। अब डेड पार्ट को हम लोग ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे ना, तो इस तरीके से जो हमारा पेड़ है उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है और इसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक। एंड एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट्स ऑन अ मैंगो ब्रांच। ऑर्चिड जो है मैंगो प्लांट पे एपीफाइट की तरह जो उगता है ना। और दूसरा एग्जांपल है हमारा इसका वेल एंड बारनेकल्स। बारनेकल्स क्या होते हैं? ये बारनेकल्स जो होते हैं वो बेल के चिपके रहते हैं, ऐसे घेंगे टाइप में होते हैं और यहाँ पे चिपके होते हैं वेल की जो बॉडी है उस पर चिपके रहते हैं। किसकी वजह से? इनको देखो एक तो मिलता है ट्रांसपोर्ट और दूसरा इनको प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वेल के पास है। इतने बड़े जानवर के पास वैसे कोई आता नहीं है ना, तो ब्रांचेस इनको ट्रांसपोर्ट मिला तो इनको न्यू फूड साइट पर भी गए, है ना, और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है वेल से और फूड भी मिल रहा है। फूड कैसे? वो वेल के पास रहते हैं तो वेल जो भी खा रही है सड़ा, तो उसके कुछ पार्ट होंगे वो वेल बाहर भी रिलीज होंगे ना, तो उससे इनको फूड भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रही है, ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है और वेल को इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ये पहला दूसरा रिलेशन हो गया हमारा। फिर दिया हुआ है बारनेकल्स ग्रोइंग ऑन अ बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डाइवर्सिटी
एनी अपरेंट बेनिफिट, जैसे कि मैंगो और वेल को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, जबकि बारनेकल्स और ऑर्चिड को बेनिफिट्स हो रहा है ना। तो तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है कैटल अर्गेट बर्ड एंड कैटल, ये है कैटल अर्गेट बर्ड, ये देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं, वैसे भी ये दिख जाती है कैटल अर्गेट बर्ड। अब ये देखो ये क्या करे, अब गाय क्या करे, गाय घास खाएगी, और जो घास खाएगी तो घास उखड़ेगी, जमीन उखड़ेगी, अब उससे क्या होगा, वहाँ के जो कीड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको आसानी रहेगी, इसको खोदना नहीं पड़ेगा और ढूंढना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और वहीं से ये सीधे इंसेक्ट को खा लेगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, इसको फ़ायदा हो रहा है, और गाय तो अपने ही अपना खा ही रही, उसको कोई नुकसान थोड़ी ना है, तो इसको भी फ़ायदा हो रहा है, इसका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है गाय का, है ना, कैटल का। द कैटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन अ क्लोज एसोसिएशन अ स्लाइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ़ यू लिव इन अ फार्म रूलर एरियाज, अगर आप फार्म रूलर एरियाज में रहते हैं, इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। द अर्गेट ऑल्सो फॉरगेव क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, जो अर्गेट बर्ड होती है वो ज़्यादातर उसी के पास पाई जाती है ना, जहाँ पे वो घास वास खा रही होती है ग्रेजिंग, बिकॉज द कैटल एज दे मूव, वो जैसे जैसे कैटल गाय आगे जाएगी और कैटल जो भी जानवर है वो आगे जाएगा, स्टायर अप एंड फ्लश अप इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन, घास उखाड़ेगा तो जिसकी वजह से वहाँ किसी के जो इंसेक्ट है नीचे दबे वो भी बाहर निकलेंगे, दैट ओवरवाइज माई टू बी डिफ़िकल्ट फॉर द अर्गेट बर्ड टू फाइंड एंड कैच, जो कि अर्गेट बर्ड के लिए डिफ़िकल्ट होता फाइंड करना और उसको खोद के बाहर निकालना, उसको उसने आसान बना दिया, तो इस चीज़ से कि उसको फ़ायदा हो गया अर्गेट बर्ड को, है ना। उसके बाद हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लोन फिश एंड सी एनीमोन, ये फिश आपने बहुत देखी होगी, ये हमारा ये है क्लोन फिश और ये है सी एनीमोन। सी एनीमोन में क्या होता है, इसमें ये जो टेंटिकल है ना ये इसके बहुत पॉइजनस होते हैं, है ना, ये बहुत पॉइजनस होते हैं, जिसकी वजह से इसके पास जो और कोई भी जो जानवर है वो जल्दी आता नहीं है, और ये जो क्लोन फिश होती है वो छोटी होती है तो इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती और ये इसमें सर्वाइव कर जाती है, इसमें ये डुक जाती है, बोले कि अपने आप को हाइड कर लेती है इसमें जाके, और ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जाती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए जाती है क्योंकि इसके पास और कोई ज़्यादा जानवर आएगा नहीं, है ना। तो क्लोन फिश को क्या मिला, प्रोटेक्शन, और सी एनीमोन वो तो वैसा ही है, उसको कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है ना ही कुछ हार्म हो रहा है ना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द सी एनीमोन दैट हैज़ स्टिंग टेंटिकल, इसके पास टेंटिकल हैं स्टिंग, एंड द क्लोन फिश दैट लिव अमंग देम, द फिश गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंग टेंटिकल्स, स्टिंग टेंटिकल होने की वजह से वहाँ से जो प्रीडेटर हैं फिश के वो दूर रहते हैं और सी एनीमोन के पास नहीं आते, जिसकी वजह से फिश बच जाती है। द एनीमोन डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश, उसको सी एनीमोन को कोई भी खास बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट ही नहीं है। इसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है लेनास और वुडी क्लाइंबर और वुडी वाइंस, ये देखा होगा, ये उस पर खेतों में आपने देखा होगा पेड़ एड़ में चढ़ जाती है, ऐसी होती है ना ये बेल टाइप में, इसमें क्या होता है, अब ये क्यों चढ़ रही है, ये चढ़ रही है, इसको सनलाइट नहीं मिल रही थी, अब सनलाइट चाहिए, अब पेड़ का सहारा लेते लेते पेड़ को एक तरीके से जकड़ते हुए ऊपर चली गई, है ना। लीफ एंड क्लोरोफिल डेवलप्ड, अब इसके पास क्या है, इसके पास खुद की लीफ भी है और क्लोरोफिल भी है, रूट सिस्टम भी डेवलप है, रूट सिस्टम भी डेवलप है, केवल एक सपोर्ट ले रही है ट्री से, है ना। तो ये हार्मलेस पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म रहे तो उसे बोलते हैं पैरासाइट, है ना। तो ये पैरासाइट तो है लेकिन हार्मलेस पैरासाइट है, क्यों हार्मलेस, क्योंकि इसके पास खुद का क्लोरोफिल है और रूट सिस्टम भी वेल डेवलप है, तो उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है,
जो मिनरल्स है वो नीचे से आ जाएंगे रूट से, और जो लीफ वगैरह है वो अपना क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट का वाटर फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेगा, है ना। इसके पास इसके बाद हमको एग्जांपल दिया हुआ है एपिजोन्स। एपिजोन्स क्या होते हैं? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स पे लिव करते हैं, एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। वो क्या था हमारा, जो प्लांट के ऊपर पाया जा रहा था उसे हम लोगों ने बोला था, सॉरी वन सेकंड, तो एपिजियोम्स था और इसे हम लोगों ने बोला था एपिफाइट्स। एपिफाइट्स कौन होते हैं? जो कि प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, है ना। और ये कौन है? ये है हमारे एपिजोन्स। एपिजोन्स ये हमारे एनिमल्स के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक। तो पहला होता है हमारा, पहला एग्जांपल आ रहा है सकर फिश एंड सार्क का। देखो सार्क क्या होती है, सार्क होती है। अब सार्क के ऊपर जो ये सकर फिश होती हैं ये चढ़ी बैठी होती हैं, इनकी इसके बॉडी से बिल्कुल अटैच होती हैं, इसके साथ ही साथ तैरती रहती है। मतलब ये खुद नहीं तैरती हैं, इसके ऊपर चिपक जाती हैं और सार्क चलती रहती है और ये इसी के साथ साथ चलती रहती हैं। क्यों? अब देखो क्या है, ये मान लो इसने सार्क ने कुछ खाया, अब उसके कुछ टुकड़े बाहर भी तो जाएंगे तो इनको भी फूड मिलता रहता है, और एरिया के डॉन के साथ घूम रही हैं तो प्रोटेक्शन भी मिलता रहेगा और ट्रांसपोर्ट तो मिलता ही रहेगा। जैसे जैसे सार्क जाएगी वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट भी मिलता रहेगा इनको। अगला एग्जांपल दिया हुआ है पायलट फिश एंड सार्क। अब देखो पायलट फिश क्या होती हैं, जो हमारी ये सकर फिश होती, सकर फिश जो होती हैं वो इसकी जो व्हेल की सतह होती, जो उसकी बॉडी होती है उसके ऊपर चिपक के रहती हैं, और जो हमारी पायलट फिश होती हैं ये जो सार्क होती है उसके पीछे पीछे चलती हैं, उसके साथ ही रहती हैं लेकिन उसकी बॉडी से अटैच नहीं रहती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। अब इनको पायलट मतलब बहुत संभल के इनको चलना पड़ता है, पता चले सार्क तेज़ी में जा रही थी ये भी तेज़ी में जा रही थी और सार्क ने एकदम ब्रेक लगा दी तो ये आगे चली गई, सार्क इन्हें खा जाएगी। तो ये बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से चलती हैं, इसे इनको कहा जाता है पायलट फिश। ये जो ब्लैक कलर में है ना, ब्लैक वाइट लाइन में है, ये हमारी पायलट फिश। अब इनको भी वही चीज़ मिल रही है, फूड भी मिल रहा है और प्रोटेक्शन भी मिल रही है, और सार को कोई दिक्कत भी नहीं है इससे, है ना। अगला एग्जांपल आता है ई कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। हम सभी जानते हैं कि ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहती है ना। अब उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट तो है नहीं, बेनिफिट अब आप लोग कहेंगे कि कुछ तो एंजाइम बनाती है, तो कुछ एंजाइम बनाती है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बना पाते जितना हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीके से हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, और ई कोलाई को बेनिफिट ही हो रहा है। कैसे? क्योंकि उसको फूड मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है और शेल्टर भी मिल रहा है ना, इसलिए ई कोलाई आ जाता है हमारा पॉजिटिव में और ह्यूमन इंटेस्टाइन ह्यूमन आ जाएगा ज़ीरो में, क्योंकि इसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगला आता है हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन, इसमें क्या है? देखो हर्मिट क्रैब होता है, हर्मिट क्रैब में क्या दिया हुआ है, एक देखो हर्मिट क्रैब एक केकड़ा टाइप में आप सोच लीजिए, एक जानवर होता है, जानवर में तो बोल रहा हूँ, एक ऑर्गेनिज्म हो रहा है जो कि सी में पाया जाता है। अब ये बहुत ही शर्मीला होता है, शर्मीला होने के कारण ये क्या करता है, शंख के ऊपर शंख के अंदर घुस जाता है और अपने पैर बाहर निकाल लेता है। जो भी इसको खोखला वस्तु मिलेगा उसके अंदर घुस जाएगा और अपने पैर बाहर निकाल लेगा, ठीक। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सी एनिमोन आके इसको सतह पे जगह मिलती है तो ये भी ग्रो हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो इसको क्या होता है, अब इसको क्या, एक तो शर्मीला था तो इसको सी एनिमोन ऊपर आके बैठ गया शंख के ऊपर, तो इसको क्या हुआ, अब इसके पास कोई और तो जानवर आएगा नहीं, है ना, क्योंकि सी एनिमोन इसके पास टेंटिकल्स हैं। तो इसको क्या मिला, प्रोटेक्शन मिला, और सी एनिमोन को क्या मिला, ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यू फूड साइट मिली हमारी सी एनिमोन को। ये इनका रिलेशन था, बस इतना ही था हमारा। अभी एनसीईआरटी हम लोग अब लाइन बाई लाइन एक बार देख लेते हैं।